हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम देखिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th को रिकॉल करेंगे कि 9th में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है और उसमें उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे तो फिर हम क्लास 10th के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और एक्सिस को जब हम ब्रेक करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होता है, कैसे इंडिकेट होता है, इसके बारे में हम लोगों क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं। तो एक बार उसको क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, फिर क्लास 10th की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम स्टार्ट करें तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। इसका नाम क्या है, ओरिजिन। दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ये है ओरिजिन। इंडिकेट किससे करते हैं, जीरो जीरो से। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो जीरो। अब देखिए ये जो अगर एक्स एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ओरिजिन से राइट हैंड साइड जाने पर एक्स एक्सिस पर हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव। और जब ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे इस साइड, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा नेगेटिव। क्लियर हुआ, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। सेम इसी तरीके से अगर हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अपर साइड पर जाएंगे, ये वाली कंडीशन, y एक्सिस के अपर साइड पर जाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव। और y एक्सिस के लोअर साइड पर जाएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो देखिए ये एक्सिस है। अगर हम एक चीज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो उसको हाफ हाफ बोलते हैं, और किसी एक चीज को चार अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा होगा, तो देखिए ये अगर हम ये ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। और ओरिजिन से अपर साइड पे हमको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन होगा वो प्लस प्लस होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, ओरिजिन से हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और ओरिजिन से अपर साइड, पहले एक्स एक्सिस फिर बाद में वाई एक्सिस चलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का एक और नाम है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या नाम देते हैं, एब्सिसा। और वाई एक्सिस का एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसका एक और नाम क्या है, ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस का नाम क्या है, ऑर्डिनेट है। तो अब हमने क्या बता रहे थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी दोनों जो पॉइंट है, यानी जो दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस की बात इसमें, सॉरी सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो माइनस प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो नेगेटिव, फिर वाई एक्सिस पे लोअर साइड पे चलेंगे तो नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव। अब आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस पे पहले राइट हैंड साइड, फिर वाई एक्सिस पे लोअर साइड, तो हमको क्या मिल जाएगा, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो प्लस माइनस मिल जाएगा। क्लियर हो गया एकदम कि एक्सिस में जो जो ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट है उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको क्या मिल जाएगा, प्लस एंड माइनस मिल जाएगा। अब हम कोई पॉइंट इंडिकेट करना है, सपोज करिए आपको इंडिकेट करना है कुछ पॉइंट, हम ले लेते हैं ए एक पॉइंट है वो है 2 3, बी एक पॉइंट है जो कि है माइनस 2 और 4, सी एक पॉइंट है माइनस 3 और कोई पॉइंट रख लीजिए माइनस 8, और डी एक पॉइंट है जो कि है 3 एंड माइनस 3। चलिए
ये चार अलग अलग पॉइंट है, इसे आपको इंडिकेट करना है। सिंपल है, इसे हम इंडिकेट कर देखते हैं। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, हमने एक्सिस बना दिया, ये हो गया, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। देखिए जब भी कभी आपको नंबर लाइन पे नंबर, ये एक्सिस में नंबर को डिनोट करना होगा, तो सबसे पहले इसमें मैक्सिमम, जो पॉजिटिव में मैक्सिमम खोजिए, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम 3 है, एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, और नेगेटिव में मैक्सिमम कितना है, -8 है, एक एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 अपर साइड में देखिए -8 है तो 9 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको थोड़ा और इंक्रीज करते हैं 7, 8, 9 इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया, ठीक है। अब आते हैं पहला पॉइंट क्या है, 2, 3 तो देखिए x एक्सिस पे 2, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 -1, -2, -3, -4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहां पे चलेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9 तो पहला पॉइंट क्या है, 2, 3 तो देखिए 2 क्या है, यहां पे 3, पहले 2 यहां पे 3, 1, 2, 3 तो ये हो जाएगा 3 वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 2 वाला पॉइंट, जहां पे मिल रहा है ये हो जाएगा, अगर ए नाम दिए हैं तो ये हो जाएगा 2, 3 क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा 2, 3 फिर कितना है -2 और 4 तो -2 एक्स एक्सिस पे है लेकिन किधर, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए ये हो गया हमारा -2 फिर कितना है 4 तो -2 और 4 कहाँ पे, ये तो देखिए ये हमको मिल जाएगा इसके राइट हैंड, ये वाली कंडीशन, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ पे कट करेगा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी और कितना है -2, 4 ठीक है। फिर क्या है -3, -8 तो -3 इस साइड, -8 इधर, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका आएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी -3, -8 फिर कितना है 3, -3 तो 3 पॉजिटिव, -3 नेगेटिव, तो देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसका पॉइंट डी डाल देते हैं, क्या है आपका 3, -3 तो 3, -3 हो गया, क्लियर हुआ आपको, सारी चीज़ें समझ में आई। ये हम लोग क्लास 9th में इतना हम लोगों ने स्टडी कर चुका है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9th में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th में कौन सी टॉपिक हमको पढ़नी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का टॉपिक, हम लोगों ने 9th का रिकॉल कर लिया कि क्या क्या एक्सिस में होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 10th में, क्लास 10th की जो पहली टॉपिक हमको पढ़नी है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मान लेते हैं कहीं पे एक पॉइंट है P, कहीं पे एक दूसरा पॉइंट है Q, हमें ये डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट है P और एक पॉइंट क्या है Q है, आप यहां पे Q रख लीजिए, ये हो गया Q, तो पी क्यू के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है क्या होगा। मान लेते जो P पॉइंट है उसका क्वाड्रेंट है x1 y1 और जो Q पॉइंट है उसका क्वाड्रेंट है x2 y2। एक पॉइंट क्या हो गया हमारा x1 y1, दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 एंड y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो PQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू, पहले इसको, इसको बाद में लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और भी कुछ लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं देखिए, PQ इज इक्वल टू ये हो गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए चूंकि x2 माइनस x1 करिए चाहे x1 माइनस x2 करिए, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। जैसे 2 माइनस 3 करिए कितना मिलेगा? माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 2 करिए तो कितना मिलेगा? 1, और 1 का स्क्वायर आपको क्या मिलने वाला है? 1 मिलना है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग क्या क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसको डिराइव्ड करेंगे हम लोग, ठीक है। देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट पी की इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, या वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक्स को एक्सिस पे बनाएंगे और एक्सिस पे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया? एक्सिस, नामकरण कर दीजिए एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। अब हम कहीं पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट हो गया हमारा P, एक हो गया Q, ये डिस्टेंस हो गया। P पॉइंट का क्वाड्रेंट हम रख लेते हैं x1 y1 और Q पॉइंट का क्वाड्रेंट हम रख लेते हैं x2 y2। एक हो गया हमारा x1 y1 और दूसरा क्या हो गया? x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए, जब नंबर लाइन पर हमने नाइन्थ में अभी रिकॉल किया कि जब कोई नंबर लाइन इंडिकेट करना होता है, अगर ये पॉइंट x1 है तो सबसे पहले x एक्सिस पर x1 चले होंगे, फिर y एक्सिस पर y1 चले होंगे। मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा x1, और यहां से यहां तक के जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा x2, सॉरी ये x1 और ये क्या हो जाएगा हमारा y1। ये डिस्टेंस हमको कितना मिल जाएगा? वाई वन। सेम अगर यहां पे क्यू पॉइंट है तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, नामकरण कर दे क्या, इसको हम रख लेते हैं ओरिजिन ओ से डिनोट कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका बी, ये सी और ये डी। तो ओ से ए, ये ओ है ना, ये क्या है? ओ है। ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना होगा? एक्स वन। और ए से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? वाई वन। O से B तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो चूंकि B पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट क्या है? X2 y2। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा? ये डिस्टेंस हमको मिल जाएगा X2, ठीक है। और B से Q तक का डिस्टेंस हमको क्या मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम इस x एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे C से, देखिएगा कहां से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग? C से, यहां से ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कितना है? ये y1 है। तो अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है? y2। ये डिस्टेंस कितना है, सॉरी ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x2। ये डिस्टेंस कितना है? x1। तो a से b तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर a से b तक का डिस्टेंस x2 माइनस होगा तो सेम पैरेलल लाइन यहां पे भी है, इसको हम नाम दे देते हैं a b c d। ये पॉइंट q था तो मान लीजिए सी डी मान लेते हैं, ठीक है। सी पॉइंट, डी पॉइंट, पी हटा देते हैं ना, P भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। तो A B C D, इसको हम मान लेते हैं E। तो C E का डिस्टेंस सेम A B के इक्वल होगा। ये कितना है? X2 माइनस X1। तो ये भी कितना हो जाएगा? X2 माइनस X1। एकदम ध्यान से कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। तो ये X2 माइनस X1। अब समझते हैं ये डिस्टेंस कितना है? Y1। टोटल डिस्टेंस कितना है? y2। समझिएगा ये टोटल डिस्टेंस कितना है? y2 और ये है y1। तो ये हमको कितना मिलेगा? y2 में से ये हटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो y2 में से ये हटाएंगे, ये है कितना? y1। तो y2 माइनस y1। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया। और चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल CED। ट्रायंगल CED हम इस ट्रायंगल में बात करने वाले हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल सीईडी में देखिए जरा, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है? सी डी, सी डी, ठीक। या फिर अगर इसको पॉइंट को P माने थे और Q माने थे तो पी क्यू, जो भी मान लीजिए। तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये ठीक है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है? एक्स टू माइनस एक्स वन का क्या होल स्क्वायर। CD क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट।
तो सी डी इज इक्वल टू, ये स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्या मिलेगा, चाहे इसको पहले लिखिए, दोनों प्लस में, तो आप किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। तो cd इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। एक और चीज, चूंकि स्क्वायर रूट में तुमको प्लस भी मिलेगा माइनस भी मिलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए cd इज ऑलवेज पॉजिटिव, cd इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, cd की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर हो गया आपको ये सारी चीजें, cd की वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, cd इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन को एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रटना ना पड़े, ठीक है, एकदम अच्छे समझे कि अब एक्स टू माइनस एक्स वन करिए, एक्स वन माइनस एक्स टू करिए, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, बुक में तो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपने डेरिवेशन सब समझ गया, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू वही मिलेगी जो आपको एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन से मिलने वाली है। तो ये हो गया दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चंस है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्री एंड फोर फाइव, दो पॉइंट हमारे पास है, इनके बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, एक पॉइंट हम मान लेते क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, अब हम एक पॉइंट मान लेते हैं, लेट द पॉइंट विल बी, एक हो गया हमारा P पॉइंट, कितना है 2, 3, और एक पॉइंट हमारा क्या हो गया Q, जितना क्या हो गया 4 और 5। डिस्टेंस हमें निकालना है PQ का, ठीक है, तो एक पॉइंट इसको अच्छा ऐसे हम इंडिकेट करके भी आपको दिखा दे रहे हैं, ये हो गया P 2, 3 और ये हो गया Q 4, 5, ठीक है। तो 2, 3 और 4, 5 के बीच का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल है, हम इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, PQ इज इक्वल टू क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो फॉर्मूला पहले क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो चलिए हम पॉइंट रख देते हैं इसमें, x2 क्या है हमारे पास 4, x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हमको कितना मिलने वाला है यहाँ पे 4, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को बाहर निकाल लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 2, देखो 8 को मैं कैसे बाहर निकाल रहा हूं, 2, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, तुमको मिलेगा 2√2, ये हो गया हमारा इतना यूनिट, क्योंकि कोई सेंटीमीटर मीटर में तो है नहीं, तो ये डिस्टेंस हो गया 2√2 यूनिट। तो PQ का डिस्टेंस कितना हो गया 2√2 यूनिट। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,